आपका फिर स्वागत है। सोचें सोचना जरूरी के इस दूसरे पार्ट में अब है गपशप और खुलासा। पहले राजनीति और राजकाज की गपशप है। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने का फैसला होने के बाद से कांग्रेस के अंदर जिस घमासान के शुरू होने का इंतजार हो रहा था वह शुरू हो गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित का बयान इसका संकेत है। उन्होंने मणीष शंकर अय्यर के बयान के बहाने ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस के अंदर कुछ नेता राहुल गांधी को कमजोर करना चाहते हैं। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि शीला दीक्षित का बयान कांग्रेस के अंदर बड़े संकट का संकेत है। कहा जा रहा है कि पार्टी के कई बड़े और पुराने नेता असहज हैं। उनको नहीं लग रहा है कि वे राहुल गांधी की टीम के साथ एडजस्ट हो सकते हैं। इनमें से कुछ नेता पार्टी छोड़ने की तैयारी में है। अभी तत्काल फैसला नहीं करने का कारण गुजरात का चुनाव है। उनको लग रहा है कि कांग्रेस अगर गुजरात जीत जाती है तो राहुल की कमान में भी सत्ता मिलने का मौका बन सकता है। अगर कांग्रेस गुजरात में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो पार्टी में घमासान बढ़ेगा। पिछले 10 दिन में 3 ऐसे विवाद हुए हैं जिनसे लंबे समय में राहुल की राजनीति प्रभावित होने वाली है। पहला विवाद गुजरात के सोमनाथ मंदिर में राहुल का नाम अहमद पटेल के साथ गैर हिंदू रजिस्टर में दर्ज होने का था। दूसरा विवाद कपिल सिब्बल का राम मंदिर मामले में अदालत में दी गई दलील का है और तीसरा मणिशंकर अय्यर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान का है। इन तीनों मामलों में कांग्रेस के अंदरूनी घमासान को कारण बताया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के कारण सोशल मीडिया का ट्रेंड बदल गया है। जहां पिछले कुछ समय से कांग्रेस के पक्ष में माहौल था वहां अब कांग्रेस विरोध तेज हो गया है। लोगों का फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के ऊपर से हट गया है। असल में सिब्बल राष्ट्रवाद और हिंदुत्व दोनों के मामले में लोगों के निशाने पर आए हैं। भाजपा समर्थकों का यह प्रचार तेज हुआ है कि हिंदू विरोधी हर मामले में सिब्बल वकील है और देश विरोधी हर मामले में भी वे ही वकील है। तभी सिब्बल को भी यह सफाई देनी पड़ी कि वे धर्म में विश्वास करते हैं। कपिल सिब्बल ने राम जन्मभूमि मंदिर के मामले की सुनवाई अगले लोकसभा चुनाव तक टालने की अपील करके सबसे ज्यादा नाराजगी मोल ली है। उनको लेकर यह प्रचार चल रहा है कि जेएनयू में भारत विरोधी नारेबाजी से चर्चा में आए कन्हैया कुमार के वकील वे हैं। तो रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में रहने देने की पैरवी कर रहे वकीलों में भी सिब्बल शामिल है। इसी तरह 3 तलाक के समर्थक वकील भी सिब्बल है और लव जिहाद का प्रतीक केस बन चुके हदिया मामले में भी शैफी जहां की पैरवी सिब्बल ही कर रहे थे। इन सबको आधार बनाकर उनको देश विरोधी और हिंदू विरोधी ठहराया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर का बयान गलती से दिया गया बयान नहीं है। उन्होंने निजी खुन्नस में यह बयान दिया है। वे कई कारणों से पिछले कुछ समय से कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वे नीच का मतलब नहीं जानते हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि पिछले लोकसभा चुनाव के समय प्रियंका गांधी के बयान को लेकर हुए विवाद के बारे में अय्यर को खूब पता है, फिर भी उन्होंने नीच शब्द का प्रयोग किया। इसी तरह राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव के संदर्भ में उन्होंने बिना किसी मतलब के जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की मिसाल दी थी, जिसका कांग्रेस के विरोध में इस्तेमाल हुआ। कहा जा रहा है कि वे कांग्रेस में पिछले कुछ समय से पूरी तरह उपेक्षित हैं। उनको कांग्रेस ने राज्यसभा में नहीं भेजा, उनकी बजाय तमिलनाडु के ही पी चिदम्बरम को महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य बनवा दिया। इससे नाराज चल रहे अय्यर ने भी पहला मौका मिलते ही कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाला बयान दे दिया। आप देख रहे हैं सोचे सोचना जरूरी, अब है खुलासा। ताजा सुर्खियों में और बहस में जिस बात ने आपको भड़काया है या कंफ्यूज किया है उसका मतलब क्या है, तो और छोर क्या कुछ है, इसे समझने के लिए अब देखें आज का खुलासा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के बहाने भारतीय राजनीति में भाषा की शालीनता को लेकर फिर बहस शुरू हुई है। इस बहस में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रचार में भाषा की शालीनता का ध्यान रखता कौन है। प्रादेशिक क्षत्रपों से लेकर राष्ट्रीय पार्टियों के कई बड़े नेताओं और उनके प्रवक्ताओं के बयान एक जैसे होते हैं, खासकर चुनावों के समय। सारी पार्टियों के नेता अशालीन भाषा का इस्तेमाल करते हैं और अपने विरोधियों को चोट पहुंचाने के लिए सख्त और कई बार अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार सोनिया और राहुल गांधी के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। उन्होंने नीतीश कुमार के DNA में खराबी बताने वाला भाषण बिहार में दिया था। यह अलग बात है कि नीतीश कुमार आज उनके समर्थन से बिहार में सरकार चला रहे हैं। बहरहाल अय्यर के ऊपर कार्रवाई करके राहुल गांधी ने एक नई परंपरा शुरू की है। यह नया बेंचमार्क तय किया है और उम्मीद की जानी चाहिए कि बाकी पार्टियां भी इसका पालन करेंगी। भारतीय राजनीति में कुछ तत्व हमेशा ऐसे रहे हैं जो आपत्तिजनक बयान देते रहे हैं। सामाजिक व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले बयान भी आते रहते हैं।
जैसे अभी भाजपा की टिकट पर विधायक का चुनाव लड़ रहे गुजरात के एक पार्षद ने भाषण में कहा कि देश में दाढ़ी टोपी वालों की संख्या कम करनी होगी। अपने वोट बैंक को एकजुट रखने के लिए लालू प्रसाद और मायावती भी इस तरह के बयान देते रहे हैं, पर कांग्रेस और नरेंद्र मोदी की कमान वाली भाजपा में एक अनोखा संबंध दिखता है। उनके बीच आलोचना हमेशा निजी हो जाती है। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी कांग्रेस नेताओं के निशाने पर वे थे और उनके लिए अनेक अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया, जिनका जिक्र गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने किया था। लेकिन खुद अमित शाह और मोदी ने कांग्रेस नेताओं के लिए भी ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसका हवाला राहुल गांधी ने दिया और कहा कि भाजपा हमेशा आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करती रही है, पर कांग्रेस की संस्कृति जरा अलग है। दोनों पार्टियां इस मामले में अपने को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास कर रही हैं, पर असल में दोनों इस मामले में एक जैसे हैं। कांग्रेस ने गुजरात के विधानसभा चुनाव में हमेशा नरेंद्र मोदी पर निजी हमले किए। उनको खुद सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा था। कांग्रेस के नेताओं ने कई बार उनको हत्यारा और अमित शाह को तड़ीपार कहकर अपमानजनक तरीके से संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी को चाय वाला कहकर कई बार मजाक बनाया गया, लेकिन बदले में भाजपा के नेताओं ने भी कोई कसर नहीं रखी। प्रधानमंत्री मोदी खुद सोनिया गांधी को जर्सी गाय कह चुके हैं। सोमनाथ मंदिर मामले में उन्होंने राहुल को कहा कि उनके परनाना ने मंदिर नहीं बनवाया। जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो राहुल गांधी ने कहीं कहा कि केंद्र ने किस राज्य को कितना रुपया दिया। इस पर राहुल को निशाना बनाते हुए मोदी ने कहा था कि पैसे उनके मामा के घर से नहीं आए थे। यह अलग बात है कि अब उनकी पार्टी भी हर जगह यही कहती है कि केंद्र ने किस राज्य को कितना पैसा दिया। जाहिर है ये पैसे भी किसी के मामा के घर से नहीं आए हैं। बहरहाल अगर कांग्रेस नेताओं ने मोदी और शाह के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया तो भाजपा नेताओं ने भी सोनिया और राहुल को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारतीय राजनीति में कुल मिलाकर बहस, विमर्श और प्रचार सबकी भाषा बदल गई है। राजनीति की शुचिता किसी का सरोकार नहीं है। सारे नेता अपने विरोधियों पर तीखे से तीखे शब्दों में हमला करने की राजनीति कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों को भी इसमें मजा आ रहा है। तभी नेताओं से आगे बढ़कर सोशल मीडिया में आम लोग भी अपना राजनीतिक रुझान खुलकर जाहिर कर रहे हैं और अपने विरोधियों के बारे में भद्दी से भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया में होने वाली गाली गलौज ही असल में भारतीय राजनीति के भाषा विमर्श की असली तस्वीर जाहिर कर रही है। नेताओं को भी लग रहा है कि उनके समर्थक इतने आक्रामक हैं, तो उन्हें भी इसी अंदाज में अपने विरोधियों को निशाना बनाना चाहिए। कई बड़े नेता तो सोशल मीडिया में भद्दी और अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने वालों को फॉलो भी करते हैं। उम्मीद है प्रोग्राम जचा होगा। अपनी राय, अपना सुझाव कमेंट लिखे भेजे। यदि सोशल मीडिया की कोई बात मुझसे शेयर करनी हो तो मोबाइल नंबर 0971747483 पर मुझे भेजे। आपसे रिक्वेस्ट है कि नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर एपिसोड इमेज के नीचे लाल पट्टी में लिखे हुए सब्सक्राइबर बटन को ज़रूर दबाएं। वहाँ जो घंटी है उसे भी दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले। धन्यवाद। नमस्कार।